हर हर महादेव, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हमारा अगला दिन शुरू हो गया है सुबह सुबह। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सिर्फ चिड़िया की आवाज़ है और किसी की नहीं है। रात को हम लोग इस रूम में आ गए थे सारे पांचों। उठ जा, अगला दिन हो गया है। आज मैं आपको फाइनली बताऊंगी कि हम कहाँ आए और क्यों आए हैं। घर से फ़ोन आ गया था कि घर आज बहुत सुवाले बनाने हैं, तो मैं फटाफट जा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा पाऊँ कि सुवाले बन रहे हैं। सुवाले बनने लग गए। सुवाले नहीं बनने बेटा। फिर क्या बन रहे हैं अभी? ये मोदक बनते हैं गणेश जी के ना। अच्छा। और रोड बनती है। अच्छा। जो भगवान हमारे इष्ट होते हैं ना। हाँ। रोड बनती है। अच्छा। सुवाले ना था तो अभी तेरी उड़ के फिर मिलेंगे। सनराइज हो गया है पहाड़ों के पीछे से। तो हम यहाँ पर आए यश के उपनयन संस्कार के लिए। उपनयन संस्कार क्या होता है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप लोगों को जाना है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। बाकी आप जब पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले सुवाल पताई की रस्म होगी अभी सुबह सुबह, तो चलो हम सबसे पहले सुवाल पताई देखते हैं। सुवाल पताई मंदिर में ऊंची जगह में रखना पड़ता है ये। अच्छा, इसके ऊपर चौखट के ऊपर हमेशा जब तू चढ़ाएगा मुझसे। हाँ, चौखट के ऊपर क्यों रखते हैं इसे? ऐसा होता है ना, ये कभी इधर उधर जाएगा सीधा खाना बनेगा सीधे घर आएगा। एक बच्चे का शगुन होता है कि गणेश जी ने इसको इसको ऐसे रखो, ऐसे फोल्ड कर लो गिरे ना आराम से। चंदन चंदन
गुड मॉर्निंग सबके पीछे भी है अच्छा हाँ। ये ऐसे ही करना होता है अच्छा जो तो जहाँ पे स्वास्थ्य है वो ऊपर ही रहेगा कितनी जल्दी है हलवा भी बन रहा है उसको वो नहीं करते ना उसमें थोड़ा सा आटा भून के हलवा बना देते हैं अच्छा जिस घी में वो करा था सुवाले फ्राई कर रहे थे उसी घी में हलवा बन रहा है आटे का हलवा अब ये सबको सुवाले के साथ बटेगा वहाँ पे जनेऊ के बाद नहीं अब इसको वो बट्टू के बट्टू नहीं खाएगा उसके मम्मी पापा नहीं खाएंगे इस हलवे बाकी सब बट्टू यश है बट्टू के मम्मी पापा पोतन और फूफा जी हैं सारा सामान जाने लग गया है सब रेडी है जाने के लिए सब बैठ गए बस में जाने के लिए यार बट्टू जिसका जन्ने हुआ है बट्टू ऑन मोनेट सनरूफ खोल रहा है हमारे लिए चलो 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 पहुंच गए सीता वनी पहुंच गए हम लोग सीता वनी ये पूरा जिम कॉर्बेट एरिया के अंदर आता है मस्त हवा चल रही है यहाँ पे चटकीला सीता वनी आज हम आए हैं यश के जनेऊ के लिए सीता बनी ये जिम कॉर्बेट के एरिया के अंदर आता है पहले नहीं था बट अब ये जिम कॉर्बेट के एरिया के अंदर आता है और यहाँ पे आने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है हम लोगों ने भी आने से पहले परमिशन ली थी तो यहाँ की मैं आपको थोड़ी सी कथा बताती हूँ जो मैंने सुनी है पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम जी ने माता सीता का त्याग कर दिया था तो माता यहाँ पर इस जगह पर रहने के लिए आई थी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ही वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पे वो आई थी रहने के लिए और यही वो स्थान है जहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ था यहाँ पे नीचे सीता कुंड भी है जहाँ पे माता सीता स्नान करने आया करती थी और यहाँ पे तीन स्रोत बने हुए हैं जो कि ऐसा बोला जाता है कि एक माता सीता का एक श्री राम का और एक लक्ष्मण जी का स्रोत है और उसके साइड में ही एक महादेव जी का बहुत प्यारा सा मंदिर भी बना हुआ है और उसके साइड में है माता सीता का मंदिर जिसमें लव कुश उनकी गोद में बैठे हुए हैं बहुत ही शांति है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा वातावरण और इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पे आके सुंदर लग रहा है सीता जी का है ऑफ कोर्स सुंदरता तो यहाँ होगी भर भर के कहाँ अंगूर
अंगूर देखे ये है, ओ छोटे छोटे यहाँ पर देखो बीच में थोड़े अंगूर अंगूर है, दिख गए मम्मी सबने हर जगह से दिखा दिए। अंगूर का पेड़ मालती है, ही मालती भगवान को चढ़ता है, कितना सुंदर लग रहा है ये, लता हुआ पेड़ है। हाँ। मालती का बोल दे, भाई मैं आ रहा हूँ डब्बा तीन धाराएं हैं, एक सीता जी की, एक लक्ष्मण जी की, एक राम जी की, इसमें अभी हम स्नान करेंगे जाके। यही अभी तो जल्दी से बोलिए जल्दी से, मैं कम से कम दो दिन में आपस में। हम लोग कपड़े ले आए, ले आए मेरे को तो अभी मैं जरा ऊपर जा रहा हूँ अभी। लाओ दो कैसे पहले बाद में दोबारा ना लेंगे। भव्या भी भव्या पी समोसे के साथ घटक रही है चाय। समोसे हो गए हैं, भव्या हो रही है, सबके कपड़े सूख रहे हैं भाई लाइन से। मैं भी तैयार हो गई हूँ। क्या वोट डालना है इसने ऐसे करा पगला। हमारे प्यारे महादेव जी का मंदिर, इतने सुंदर महादेव है ना ये, को मैं दिखाती हूँ, ये बहुत सुंदर है। और यहाँ पे है माता सीता लवकुश जी के साथ। ऊपर पूजा शुरू हो चुकी है, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, नहाने नहाने में सारे फन कर लिए हमने, तो अब चलते हैं पूजा में ऊपर।